बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली। भारी प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी है। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही पूरे देश में भारी बवाल देखा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। वहीं शेख हसीना भागकर भारत आ गई है। सोमवार को वो भारत पहुंची और वो यहाँ कुछ समय के लिए शरण ले सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में यहाँ से वो लंदन जा सकती है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले तेज हुए, जिसके बाद अमेरिका ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। अमेरिका ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमलों से हम चिंतित है। अमेरिका ने ढाका के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दरअसल सरकार विरोधी आंदोलन के दबाव में 5 अगस्त सोमवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही वो देश छोड़कर भारत आ गई है। इस बीच वहां पर अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं, उनके धार्मिक स्थलों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले हुए हैं, जिसके बाद भारत समेत अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की है। बांग्लादेश की घटना को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक भी की थी, जिसमें विपक्ष की तरफ से पूछा गया कि क्या घटना में भारत विरोधी क्रियाकलाप भी नजर आए हैं। इसका जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा था कि कुछ जगहों पर भारत विरोधी एक्शन भी नजर आए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इसमें चीन और पाकिस्तान कितना भागीदार रहा, इस मसले को लेकर भी जाँच चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा कि अमेरिकी दूतावास ढाका के लोगों से बार बार शांति और अमन की अपील कर रहा है। अमेरिका ने कहा, हम बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने पर चिंतित हैं। बांग्लादेशी लोगों के मित्र और पार्टनर होने के नाते अमेरिका बांग्लादेश की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए उनका समर्थन रखना जारी रखेगा। वहीं स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना के जाने के बाद हुई हिंसा में हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, तोड़फोड़ तक की गई। बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में सोमवार को जमकर हिंसा हुई थी। इसके बाद पीएम हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया। वो ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची थी। हिंडन एयरबेस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे करीब 1 घंटे बातचीत की। हसीना लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं। बता दें शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ही अपना देश छोड़ दिया था। उनकी सरकार के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक होने के बाद हसीना को इस्तीफा देने और बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिलहाल बांग्लादेश में सेना ने मोर्चा संभाला है और अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में ये फैसला लिया गया। इस बैठक में देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख और छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रमुख स्टूडेंट यूनियनों के नेता भी शामिल थे।